हेलो फ्रेंड्स, रेडियो प्लेबैक इंडिया की तरफ से मैं खेल आगे प्रीति कावान और आज एक मुलाकात जरूरी है। हम स्वागत कर रहे हैं लॉरेंस डिसोजा, जो बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म मेकर रहे हैं 80s और 90s के जमाने में, और उनके फिल्म्स जैसे साजन, सपने साजन के संग्राम, आरजू, बलमा बहुत ही फेवरेट फिल्में हैं सारे दर्शकों के, जो उस वक्त बड़े हुए। एंड दे टेक अस बैक टू द नोस्टैल्जिक लेंस ऑफ द 90s। तो आज हम लॉरेंस जी के साथ बहुत सारे बातें करेंगे और उन्हीं यादों को ताज़ा करेंगे। द म्यूजिकल जर्नी, द रोमांटिक जर्नी जो उन्होंने क्रिएट किया इन फिल्मों के द्वारा। और हमारे साथ आज सजीव जी और संदीप भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉरेंस जी के सवाल पूछ के कि लॉरेंस जी, आपका शुरुआत का सफर कैसा रहा? मतलब हाउ डिड यू गेट इनटू फिल्म्स? यू स्टार्टेड एज अ सिनेमाटोग्राफर, फिर आप डायरेक्टर डायरेक्शन में आए, तो सब कैसे शुरुआत हुआ हम जानना चाहेंगे आपसे। अश्विनी जी, मैं एक्चुअली मैंगलोर से हूँ। मैंगलोर से मैं एक वहाँ पे एक, मेरा पढ़ाई वगैरह ज्यादा हुआ नहीं वहाँ पे, तो थोड़ा सा मेरा स्टोरी बड़ा लंबा है, बट अपने पास टाइम कम है। सो मैं आया था बॉम्बे, मेरा सिस्टर यहाँ पे थी, और मैं आया था कि कुछ गैरेज में काम करूँ या मैकेनिक बनूँ या म्यूजिशियन। मतलब म्यूजिक का शौक था मुझे, तो म्यूजिक मतलब बजाना कुछ नहीं आता, बट ऑर्केस्ट्रा में देख देख देखता था कैसे बजा रहा, क्या है वो सब। और बस फिर मैकेनिक का कुछ शौक था मुझे, मतलब मैकेनिक बनू मैं। और वो मेरे सिस्टर ने, फिर मेरे सिस्टर के घर पे आया, बॉम्बे आ गए मैं। बॉम्बे आने के बाद फिर मैकेनिक के लिए कोई गैरेज में गया, जाके एक हफ्ता काम, धूप बहुत धूप था, गर्मी था, मैंने वो बंद कर दिया। फिर एक पेंट कंपनी में काम किया, तो पेंट कंपनी में मेरी जमाने वो प्लास्टिक का बास वास बहुत आ रहा था। सो फिर मैंने, मेरा भाई यहाँ पे क्लिक निक्शन कंपनी में काम करते थे, सो उन्होंने बोला कि मेरा कंपनी में मैं लगाता हूँ। कार्बन पेपर सेशन था उसमें, तो कार्बन पेपर का मैंने वहां पे काम शुरू किया। एक हफ्ता काम किया, एक हफ्ता काम करने के बाद वो लोग फॉर्म भरते हैं ना कि भाई ये सब क्या है क्या नहीं है नाम में ये। तो मेरा एज कित पूछा मेरे को, मैं बोला 16 साल। तो 16 साल बोला तो वो लोग बोला सॉरी, हम लोग 18 साल से पहले नहीं रख सकते। मुझे एक एक का पगार देके घर भेज दिया उन्होंने। फिर मैं सिस्टर को बोला अभी क्या कर रहे हैं, अभी काम नहीं। तो मेरा सिस्टर के घर का बाजू में एक आदमी प्रोडक्शन मैनेजर, कुमार कुमार करके नाम था उनका, वो प्रोडक्शन मैनेजर था। तो सिस्टर ने बोला यार भाई आया वो गांव से, उसको भी लेके जाओ साथ में। तो वो मुझे लेके गया फर्स्ट टाइम रूप स्टूडियो दादर में, वहां गौरव काला, आई थिंक 72 की बात है ये। तो गौरव काला राजेंद्र कुमार का डबल पिक्चर था, जिसमें हेमंत मल्ले, रेखा, राजेंद्र साहब, ये सब मतलब बहुत बहुत बड़ा सेट लगा था। एक डैन लगा हुआ था, काला कालिया का जो है ना डाकू, उसका लगा। तो पहली बार मैं फिल्म का मतलब देख रहा हूँ कि कैसे। और मैं राजेंद्र साहब का पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर है लाइफ में, मैं जब बचपन होश आया तो मैं पहली पिक्चर देखा था जिंदगी उनकी, जिंदगी हाँ गांव में जिंदगी। तो फिर मैं देखा, अभी मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ जैसे राजेंद्र साहब को, क्या क्या बात है ये। एंड वहां मैं एज अ प्रोडक्शन में मैंने काम शुरू किया, वहां पे प्रोडक्शन का। आपका वीडियो अटक गया सजीव जी, कैन यू हियर मी? आई थिंक लॉरेंस जी का शायद नेटवर्क कुछ ग्लिच है। लॉरेंस जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, राइट। हाँ सर बोलिए। हाँ अभी ओके। सो फिर प्रोडक्ट का काम करते करते मैं वहाँ पे ये सामान ला वो सामान ला, बाहर का सब काम कर रहा था। तो वहां पे मुझे बाबू भाई उदय कैमरामैन, जो राजेंद्र कुमार का पिक्चर, उन्होंने किया, तो उनके साथ उन्होंने बोला कि तू ये सब काम छोड़ो, मेरे साथ काम सीख, आगे काम आएगा तुमको।
वहां पे फिर मैं उनसे उनके साथ में शुरू हो गया एज ए अप्रेंटिस। सो उनके साथ अप्रेंटिस करते करते मैंने बहुत सारे पिक्चर मैंने उनके साथ 2006 मामा पंजा गवा राजेंद्र कुमार जी टांगे वाला मामा पंजा ये पिक्चर सब मैंने उनके साथ ही अप्रेंटिस में किया मैंने। देन उसके बाद वो बोला कि मुझे बाबू भाई उदेश के भाई आप तुम अगर मेरा शूटिंग नहीं है तो दूसरा बार भी काम क्या करो। सो मैं क्या करूँ, मैं चुपचाप चुप बैठ नहीं सकता हूँ। सो मैं फिर वो दर्शन जी यहाँ पे साउंड ट्रक था, साउंड ट्रक आयर पे देते ना इसमें कैमरा लाइट वाइट सब होता है उसमें। सो उसमें काम करना शुरू कर दिया भाई, कुछ काम करना शुरू कर दिया। तो उसमें मैं लाइट एज अ लाइट बॉय या कुछ भी काम करता था, काम सीखना है मुझे करके मैं वो सबसे सब जगह में काम करता था। एंड उसमें क्या है हर कैमरा मैन का एक वो होता है मतलब एक पैटर्न होता है, लाइटिंग पैटर्न होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट सीखने को मिलता लाइटिंग का ये डिफरेंट है। सो करते करते ऐसे फिर मैं लक्ष्मी नारायण कैमरा मैन थे उनके साथ, फिर उनके साथ असिस्टेंट बन गया, असिस्टेंट करते 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 फिर मैं चीफ असिस्टेंट बन गया। एक मुझे उन्होंने मौका दिया भाई डबल पॉइंट कैमरा मैन कर सकते हो क्या, कैमरा मैन बोला यस मैं कर सकता हूँ। सो मेरे को फिर सेकंड कैमरा मैन में भेज दिया और करते करते मैं सेकंड यूनिट कैमरामैन क्लैश में एज अ कैमरामैन जाते जाते फिर 81 में मेरा फर्स्ट पिक्चर तजुर्बा एज अ कैमरामैन राजेंद्र कुमार लक्ष्मण शाह स्मिता पाटिल वगैरह। तजुर्बा के बाद मैंने भवानी जंक्शन दादागिरी प्यार कर देखो बहुत सारा पिक्चर है रिलीजन और एक कड़ा पिक्चर विष्णुवर्धन जी के साथ आराधना आराधना करके तो वो हाँ तो भोजपुरी पिक्चर ये टोटल मिला के 25 पिक्चर्स मैंने सिनेमाटोग्राफी। हाँ जी उसके बाद मैं राजश्री प्रोडक्शन का एक मैंने एल्बम किया था नीला मर डोल ना गाना जो है ना अरे के गीत सुना था वो दोनों गाना मैंने डायरेक्टर कैमरामैन वो किया मैंने। वो करते करते मैं वो बात किया जाए डायरेक्टर बनने के बाद उससे पहले मेरे को सिनेमाटोग्राफी करते करते मेरे को सुमित सहगल जो है एक्टर सुमित सहगल वो मुझे मिलता था हमेशा कैमरामैन मिलता था। उसने मुझे सुधाकर मोकर से मिला, सुधाकर मोकर से मिला और उसने बोला हाँ आफ्टर मिला 25 पिक्चर्स के बाद हत्या वगैरह पिक्चर मैंने कर दिया। सो उससे मिला है सुधाकर बोकाड़े, तब उस सुधाकर बोकाड़े के पिक्चर इज्जतदार सेट पे था, दिलीप कुमार गोविंदा ये सब माधुरी बड़ी पिक्चर बनाया था। तो सुमित सहगल बोला लॉरेंस डिसूजा ये कैमरामैन एक अच्छा सब्जेक्ट है उसके पास। तो सुमित सहगल शिल्पा शिरोडकर जितेंद्र जयप्रदा इनको लेकर न्याय पहले पिक्चर साजन से पहले उससे पहले क्या हुआ थोड़ा सा उससे पहले क्या हुआ कि मैं हत्या पिक्चर का शूटिंग कैमरामैन कर रहा था तो हत्या पिक्चर का पार्टनर था एक भार्गव भट्ट करके वो बोलता कि आप डायरेक्टर क्यों नहीं बनते। तो मैं बोला डायरेक्टर तो बनना है मुझे एक एज अ कैमरामैन एस्टैब्लिश होने दो फिर मैं डायरेक्टर बनूंगा बिकॉज मेरे को एक दिमाग में रवि नागाश कैमरामैन डायरेक्टर थे आपको याद होगा वो अभी नहीं रहे जी फर्ज वगैरह बड़े बड़े हिट सुपरहिट पिक्चर है दी ट्रेन वगैरह तो रवि नागाश तो उनके वो तो मेरे सवाल था कि मुझे भी बनना है कैमरामैन डायरेक्टर उनको भी बनना है। सो वो आदमी ने मुझे फ्लाइट में हम लोग हैदराबाद जा रहे थे पिक्चर का शूटिंग में तो फ्लाइट में हम लोग डायरेक्टर क्यों नहीं करते ठीक है मैं समझे ऐसे टाइम पास कर रहे करके सोचा मैंने। सो उसके बाद हम शूटिंग करके बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आने के बाद मुझे बोला कि भाई अभी क्या सोचा बोला आप सीरियस है बोला तो ठीक है। तो फिर मैंने सेटअप बनाया गोविंदा फरा हेमा मालिनी राज बब्बर वगैरह एक पिक्चर है गाँव टाइटल गाँव था तो वो पिक्चर हमने स्टार्ट किया 10-15 दिन शूटिंग किया हमने हेमा मालिनी राज बब्बर ये लोग का सब शूटिंग किया एज अ डायरेक्टर कैमरामैन। तो वो पहला पिक्चर शुरू हुआ फिर प्रोड्यूसर को फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो फिर मैं मजा नया नया पिक्चर एक महीने मैंने स्टार्ट टू फिनिश किया जब मर्डर पिक्चर था कॉलेज के साथ वो नया नया जो पिक्चर सुधाकर बोकाड़े का किया तो रिक्कू जो है शिल्पा शिरोडकर सेक्रेटरी थे तो उन्होंने सुधाकर जी को बोला बहुत फास्ट कर रहा है काम बहुत फास्ट एक महीने पिक्चर बना दिया और एक मेरे पास सब्जेक्ट है मेरे वाइफ के पास उसके वाइफ डायरेक्टर कुमार
तो वो ओके आप जरा सुन लो, तो मुझे के सुन लो तुम, तो मुझे बिगनिंग का लाइन मुझे जो है ना, एक अनाथ आश्रम का बच्चे को जो वो घर पे लेके जाता है ना, के अच्छा सलमान खान का फादर का, तो वो एक हाँ बिगनिंग मुझे अच्छा लगा, बिगनिंग मुझे अच्छा अच्छा लगा, फिर पूरा सुना नहीं मैंने, इसमें ओके कर दिया, तो ओके ये बनाएंगे, और मेरे पास किसी का भी डेट नहीं था, और ये पिक्चर में पहले सलमान खान, आमिर खान और माधुरी दीक्षित हम लोग प्लान किया था, तो सलमान खान हो गया, माधुरी का हो गया, फिर आमिर खान वाला लॉरेंस डिसूजा ने पहले क्या किया, तो वो बोला कि हमारा सुधाकर बोकाड़े ने बोला कि लॉरेंस डिसूजा ने पहला फर्स्ट कैमरामैन सारा पिक्चर किया, उसने हिट पिक्चर किया है, तो अच्छा उससे बोला नहीं हमको कोई, उसने क्या किया हमको दिखा दो, तो उसने सुधाकर बोकाड़े ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए पिक्चर नहीं कर रहा, लॉरेंस के पिक्चर कर रहा हूँ, तो उसके जी बाद हम लोग ने संजय दत्त के पास गए, और संजय दत्त के पास अच्छा गए हम लोग को सब्जेक्ट सुना दिया, सब्जेक्ट सुनने के बाद शेर बन गए, और हमने सोचा भी नहीं था पिक्चर सुपर डुपर हिट होगा, और उसके अच्छा दैट इज हाउ साजन वाज क्रिएटेड। बाद में हाँ जी हाँ सर आपने वो उसके पुराने बाद सारे यादों को रख फिर लिया एंड राइट जी हाँ जी उसके बाद मैं फिर मेरा फिर हाँ जी बोलिए नहीं नहीं सर बोलिए आप बोलिए। मैं बोल रहा था कि आपने मेरे दूसरे सवालों के भी जवाब दे दिया। लॉरेंस मतलब लॉरेंस डिसूज़ा एज डायरेक्टर ऑफ साजन आपने वो सर प्लीज बोलिए। हाँ जी उसके बाद साजन हम लोग ने पूरा शूटिंग वूटिंग करके फर्स्ट पे निकाला है, विदाउट एक गाना हम लोग बाकी रखा था, मेरा दिल भी कितना पागल है, तो वो गाना जो हम लोग ने ये फर्स्ट कॉपी यहाँ पे बॉम्बे में काम हम लोग को सब रेडी करके फर्स्ट कॉपी निकाला, और हम लोग गाना शूट करने ऊटी गए, तो ऊटी में हम लोग जी गाना कर रहे थे, और यहाँ पे कुछ ट्रायल हो गया फिल्म फिल्म लोगों को सब थिएटर बुक कर ट्रायल हो, और ट्रायल में सब लोग बोला कि भाई पिक्चर सुपर हिट करके हमको रात से 12 बजे 12 बजे हमको मैसेज आता है, रात को 10 बजे वो संजय दत्त को फोन आया, भाई तुम्हारा पिक्चर हिट है, और जी पिक्चर हिट बोला तो मेरे को संजय दत्त मैदान में आ गए ऊटी में, बोला लॉरी 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 हमारा पिक्चर हिट है करके, फिर चलो बॉटल निकालो ये करके हम लोग आ गए वहां पे, और शूटिंग हम लोग का गाना खत्म करके बॉम्बे आ गए, बॉम्बे आने के अच्छा बाद अब गाना हम लोग ने पूरा पिक्चर गाना डालने के बाद फिर ट्रायल हुआ, 3 थिएटर किया था, खाली जस्ट फॉर गेस्ट एंड फिल्म लाइन को पूरा इंटीरियर, जी सो वो ट्रायल के बाद जो ट्रायल हमको जो रिएक्शन मिला उसका वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा रिएक्शन मिला, तो लोगों का मतलब देखने से ना ऐसा लगता है कि आंखों में आंसू आ गया कि जी इतना अच्छा रिएक्शन, तालियां ये वो रोना धोना ये सब जो देखने के बाद बहुत अच्छा लगा, एंड उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हो गया, फिर दिल का क्या कसूर नेक्स्ट पिक्चर, दिल का जी क्या कसूर किया, फिर बर्मा से बर्मा किया, फिर रिकू जी का दिल तेरा आशिक सलमान माधुरी एंड सलमान माधुरी फिर सपने साजन के, फिर दिल तेरा राइट दीवाना, राइट दिल तेरा दीवाना पहला नीलाने का, फिर मेरी खुद की पिक्चर संग्राम 93 में, मेरा जी खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या मैं, सो वो पिक्चर किया, फिर उसके बाद फिर माहिर प्रतीक्षा वैसे करते करते आरजू कुछ 23 पिक्चर्स आरजू आरजू किया, राइट आरजू भी बड़ी स्टार कास्ट थी, और वो करने के बाद मैं कुछ 23 पिक्चर्स मैंने फोटोग्राफी डायरेक्शन किया, और एक पिक्चर प्रोड्यूस किया, तो वो प्रोड्यूस करने के टाइम में हमने और एक सेटअप बनाया था, संजय दत्त माधुरी मिथुन चक्रवर्ती, तो जय अच्छा देवा टाइटल था उसका, जय देवा, तो जय मेरा खुद का ही देवा प्रोडक्शन वो जय देवा, जी सो वो हमने 93 में फिर वो शुरू किया, गाने वाने रिकॉर्ड किया, तो उतने में संजीव बाबा का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, एंट्री में बॉम्ब ब्लास्ट राइट वगैरह सब ये चक्कर हो गया, तो राइट फिर मैं फिर प्रोडक्शन हाउस में बंद कर दिया, अच्छा ये मतलब यहाँ तक मेरी जर्नी जो है हो गया, फिर मैंने अभी थोड़ा पिक्चर बनाना भी समझो 18 साल से बंद किया मैंने, बिकॉज जी अब क्या कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट वगैरह आ गए, बड़ी बड़ी पिक्चर है ये वो सब बहुत पैसा, क्योंकि हमने जितना 23 पिक्चर्स बनाया 1.5 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ के अंदर बनाया उस जमाने में, जी जी हाँ तो अभी 20 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ मेरे उनको समझ में नहीं आता है,
जी चक्कर, तो वो तो इससे थोड़ा समय थोड़ा सा अभी राइट अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी प्रोडक्शन हाउस फिर से शुरू करें, जस्ट प्रोडक्शन हाउस में एज अ प्रोड्यूसर। बाहर का डायरेक्टर्स आज इन जनरेशन बहुत है, नया टैलेंट बहुत है आजकल, उनको भी प्रेरित करना बिल्कुल चाहिए, बहुत से बहुत होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा मेरा सोच है। बिल्कुल बिल्कुल। सजीव जी आप कुछ पूछना चाहेंगे लॉरेंस जी से? हम बढ़ेंगे सजीव जी की ओर। या थैंक यू एवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग लॉरेंस जी। आपकी फिल्में देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं। इनफैक्ट साजन, सपने साजन के, और उसके बाद फिर दिल का क्या कसूर, दिव्या भारती थी उसके अंदर, ब्यूटीफुल मूवीज। एंड म्यूजिक जो है ना इन सब फिल्मों का बहुत ही कमाल रहता था। तो एक रीजन क्या आपके आजकल काम थोड़े कम करने का शायद ये भी है कि आजकल वो म्यूजिक का वो इरा नहीं रहा इंडस्ट्री में, जैसे उस दौर में हुआ करता था। बहुत सुंदर गाने बनते थे, हर फिल्म में पांच पांच छह छह गाने हुआ करते थे। आजकल जो है वो म्यूजिक का एक तरीके से एक वो चार्म खत्म हो गया है फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये भी एक रीजन है क्या आपके एक फिल्में ना बनाने का? एक्चुअली क्या हो गया कि अभी जो कॉपरेट आने के बाद तो क्या है कि किसी को वो सब नहीं पड़े, स्टोरी क्या है, म्यूजिक क्या, नहीं पड़े उनको, स्टार का चाहिए। आपके पास सेटअप है तो पिक्चर बनाए, और आप सेटअप लेके आ जाओ, आपके पास हीरो कौन है, आपके पास हीरोइन कौन है, बड़ा सेटअप है उनको, मतलब वो है कि अभी तक तो मैंने देखा है, तो बोलना नहीं चाहिए बिकॉज हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, बट ये हो रहा है अभी। म्यूजिक सब गाने एक ही जैसा लग रहा है। और हमारे पास जो नदीम शरण जी थे, मेरे पास नदीम शरण के पास मैंने 12 पिक्चर किया एंड ऑल सुपर म्यूजिक उनके साथ, उनके पास अभी भी म्यूजिक बहुत खजाना है, और मैं प्लान करूंगा तो उनके साथ ही काम करूंगा। ये मेरा ये है, वो नजीब शाह समीर जो गाने लिखते थे, एक मूवी का गाने आते थे, वर्डिंग जो लिखते थे समीर जी, वो सब आता था। अभी उसके बीच में क्या हुआ कि मेरे को 2004 में अंडरवर्ल्ड अटैक हुआ था, अच्छा, आपके ऊपर भी हुआ था? ओ हाँ मेरे पे हुआ था, 3 फायरिंग हुआ था, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा फिल्म से थोड़ा सा वो कर दिया, बिकॉज यहाँ पे फोन आना, अटैक हो जाना, ये सब बहुत था, लेकिन अभी कुछ नहीं है, सब ठीक है। जी जब से कॉर्पोरेट आ गए, ये फायदा हो गया कि अंडरवर्ल्ड अगर अपने को तंग नहीं कर रहे, बस ये चीज अच्छी हो गई अभी। वैसे वो एक म्यूजिकल का एक बहुत जबरदस्त दौर था। बहुत खूबसूरत गाने जो है, खासतौर पे आपकी फिल्मों के जो थे वो बहुत 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 कमाल नहीं, रहे थे। अभी भी वही दौर आ सकता है, लेकिन कुछ हमारे जो पर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर जो थे ना, वो बहुत उनको छूट देते थे भाई, जो मतलब म्यूजिक के लिए, कहानी के लिए, सो वो बोलते भाई लॉरेंस अच्छा लगता है तो तुम करो। और मेरे साथ ऊपर वाले से एक ब्लेसिंग है कि सरस्वती माँ का आशीर्वाद है कि मेरे को उस म्यूजिक बहुत अच्छा मिला, और म्यूजिक में निकलवाते, मतलब एक जो है ना, मेरा एक निकलने का टाइम अलग है। जैसे आरजू में अनु मलिक थे मेरे साथ म्यूजिक डायरेक्टर, बप्पी लहिरी के साथ भी बहुत किया काम मैंने, सो जतिन ललित का साथ भी किया, लेकिन अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर। लेकिन अभी क्या हो रहा है तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, लोग वो म्यूजिक कहाँ चला गया, वो वर्डिंग, वो लिरिक्स कहाँ चला गया, वो सब नहीं है अभी। लॉरेंस जी, आपने बताया कि आपने बहुत कम पैसों में फिल्में बना दी, 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ में बना दिया, लेकिन आपकी हर फिल्म में हाँ स्टार जी, हाँ पावर जी, बहुत जबरदस्त रहती है। मतलब माधुरी दीक्षित उस जमाने हाँ में जी, टॉप एक्ट्रेस थी, संजय दत्त, सलमान खान, तो ये सब बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे। तो इतने कम बजट में कैसे मैनेज करते थे आप? संजय जी क्या है कि उस जमाने में ना, ये लोग को जो आज मैं 11 लाख सलमान को दिया, 17 लाख माधुरी दीक्षित को दिया, और 12 लाख समझ, ऐसा आई ये बजट, वो अब उस जमाने में ये भी उनके लिए ज्यादा ही पैसा था। अच्छा हाँ तो ये सही, ये भी जो पैसा है वो पिक्चर बना देते, बिकॉज आज का डेट में पैसा कहाँ जाता है, मेकिंग में नहीं जाता है, पैसा आपका जाता है एक्टर पे, और मेकिंग में अपने पास वो ज्यादा अपने पास पैसा नहीं जाता है, और क्योंकि हम लोग अभी अभी फॉरेन में जाते हैं तो हम लोग को पैकेज मिलते हैं वहां पे, सस्ते में काम मिलते हैं, ठीक है मेकिंग में जाता है पैसा, बट इतना जो नहीं है उसमें, हाँ, मतलब जैसे पहले अभी तो आज। जो पहले जो म्यूजिक होता था वो काफी हद तक वो मार्केटिंग का काम कर देता था, क्योंकि म्यूजिक मार्केट में आता था, हिट हो जाता था, तो देन फिल्म हाँ ऑटोमेटिकली जी, बज हो जाता था उसका। और क्या था उस जमाने में, म्यूजिक का एक टेरिटरी बन गया था। आज म्यूजिक का, हाँ आज हमारा नदीम शरण का म्यूजिक 4.5 करोड़ तक बिकता बिल्कुल बिल्कुल
उसके बाद अब एफएम वगैरह आने के बाद, एफएम वगैरह आ गया उसके बाद सब फ्री में म्यूजिक मिलने लगा, फ्री में सुनने को मिलने लगा, तो देन म्यूजिक कंपनी जो है वो ट्रेंड हो गया। So, Sandeep, do you have any question to Lawrence ji? Then उसके बाद मैं वापस आता हूँ। आप लोगों ने, आपने और अवर ने तो लगभग लायन शेयर ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। हेलो सर, संदीप दिपांकर, योर प्लेजर। आई मीन संजीव जी ने जैसे कहा, आपको जैसे ही देखता हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ, मुझे इमीडिएटली अपने लास्ट 2-3 साल स्कूल के याद आ जाते हैं। साजन, सपने साजन के, दिल का क्या कसूर, उन फिल्मों के गाने मैंने इतने सुने। उन जमाने में ऑडियो कैसेट हुआ करते थे, तो हम एक साइड से दूसरे साइड से पिछले साइड करके वो कैसेट को लिटरली उसका हम बैंड बजाते थे, इतनी बार सुनते थे, और फिल्में भी लाजवाब होते थे आपके। खैर, काफी बातचीत हो चुकी है, आपके जो काम आपने ऑलरेडी किया है, और जैसा कि आपने बताया लास्ट कुछ सालों में आप इतना काम नहीं कर रहे हैं अलग की वजह से, लेकिन अगर आप फिल्में तो देखे होंगे, तो लास्ट 10 साल में ऐसी कोई फिल्में आपने देखी हैं जो आपने देख के बोले काश मैं अगर इस पे काम करता है, या तो सिनेमाटोग्राफी पे या फिर डायरेक्शन पे करता, ऐसी कुछ फिल्में आपको दिमाग में अगर इमीडिएटली आ रही हैं तो? देखिए, मैं अभी अभी भी मैं तेलुगु में फिल्म ज्यादा देखता हूँ मैं, क्योंकि हाँ, तो अभी तेलुगु पिक्चर और तमिल पिक्चर देखने के बाद थोड़ा सा हम लोग को दुख होता है कि देखो क्या इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री इतना बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया, तमिल इंडस्ट्री इतना बड़ा हो गया, इवन कनाडा पिक्चर जब मैं करता था सिनेमाटोग्राफी, वो उतना फैसिलिटी था, आज कनाडा पिक्चर भी इतना बड़ा रेंज में बन रहा है पिक्चर, पुनीत राजकुमार के पिक्चर देख रहा हूँ मैं, एंड इवन बाहुबली जो बनाया, पुष्पा बनाया, जो KGF बनाया, ये सब पिक्चरें अभी देख रहा हूँ, तो क्योंकि ये KGF वगैरह जो ना सिनेमाटोग्राफी पिक्चर है, वो कैमरामैन का पिक्चर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वगैरह जो है, तो अभी भी मेरा ये एक है पिक्चर में एज अ प्रोड्यूस करूंगा मैं। दिन जी का मैसेज आता है, लंदन में है, वो कुछ साजन देख रहे थे अभी 30 साल के बाद, 31 साल होने को आया, तो वो साजन देख रहे थे, नदी जी बोला कि लौरिदा मेरे को मैसेज आया, लौरिदा एक ऐसे पिक्चर और अपने को बनाना है, तो मैं बोला नदीप जी एक मेरे पास सब्जेक्ट तो है, लव स्टोरी है, लेकिन बनाऊंगा और म्यूजिकल बनाएंगे, और एक मतलब एक लास्ट एक इनिंग खेलना ही है हमको, तो जब सिक्सर मारे या फिर चौका मारे, तो वो तो दिमाग में है हमारे पास। तो वैसे भी मैं एक प्रोडक्शन स्कूल के जो बाकी टैलेंट है, तो आजकल बच्चे बड़े हो गए, ज्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो गए, तो उनको भी चांस दे चाहिए अच्छा काम करने के लिए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ये बिल्कुल सही बात बोला है, लास्ट एक इनिंग्स खेलना चाहिए बिल्कुल। सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने इतने सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया, जैसे संजय दत्त, सलमान, फिर गोविंदा, फिर अक्षय कुमार, सबसे अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप आपका किसके साथ रहा, योर फेवरेट? मैं एक्टर में मेरे को सबसे अच्छा माधुरी जी के साथ, माधुरी जी के साथ मैंने 3 पिक्चर किए, जन दिल से आशिक एंड आरजू। माधुरी जी तो इतना कोऑपरेट करते सेट पे, जो काम करने में मजा, हमारा पास अगर समझो टाइम नहीं, जैसा मैं साजन का टाइम है, मैं ऊटी में शूटिंग कर रहा था, ऊटी में मेरे पास 10 दिन का शेड्यूल था, 10 दिन का डेट था सबका, संजय दत्त, माधुरी, कादर, रिमा लागू वगैरह, लक्ष्मण बेड़े वगैरह, सब आर्टिस्ट थे मेरे पास। 10 दिन में मेरे को करना काम 35 सीन्स किए मैंने, 4 घंटे किए, सुबह 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 7 बजे मैं शुरू करता था काम, सुबह 7 बजे मैं संजय दत्त के साथ काम शुरू करता था, फिर बाद में सलमान आता था, फिर माधुरी जी और संजय दत्त के साथ काम करता था, फिर दोपहर को सलमान के साथ शुरू करने के बाद फिर रात को 1-12 बजे तक सलमान के साथ शूटिंग करा था, इतना भी मतलब डे नाइट करके, वो जिए तो जिए गाना, बहुत प्यार कर तुमको सनम, ये सब गाना उधर वो होटल सदर्न स्टार होटल अपना उधर था, वहां पे होटल था, उसमें हम लोग शूटिंग कर रहे थे रात को, तो डे नाइट काम करते थे। माधुरी जी जो बहुत ही अच्छी है, एंड सेकेंड मेरे को सलमान के साथ काम करने के बाद, मेरे सलमान के साथ अभी भी मैं टच में हूँ, और उनसे भी फोन में नहीं टच में हूँ, मिलना है तो 2-3 साल में एक बार उनका फार्म हाउस पे बर्थडे पे जाता हूँ,
और वो अरे बहुत प्यार फैंटास्टिक करते हैं, मुझे मुझे मेरा फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। और मेरे हिसाब से बॉम्बे के अंदर ऐसा बहुत अच्छा इंसान है तो सलमान खान है, जो जी, बॉलीवुड के दान करते थे, जैसा अच्छा तमिल में रजनीकांत जी है, रजनीकांत जी हैं, जी जो जी अच्छे इंसान है उनको तो बहुत मानते हैं, तो वो यहाँ सलमान खान है। बाकी ओके उनका मुझे पता नहीं, बट सलमान खान के साथ मैं बहुत नजदीक से था, उसका फर्स्ट पिक्चर सबसे, मैं हम लोग का दोस्ती है, बट अभी भी है, अभी भी बहुत प्यार करते हैं वो। और मैं 3 साल में, शायद मेरा प्रोफाइल में फोटो देखा होगा, 1 साल पहले का फोटो है, अभी पर बिल्कुल। उनके बाद में मिला नहीं। शाहरुख खान भी साथ में है। शाहरुख भी आया वहां पे, वो भी आए थे, हाँ बहुत वो भी अच्छा इंसान है। सब एक्टर सब अच्छे हैं। टाइम पे जी, अक्षय का शब्द काम करने का अलग, वो सुबह बोले चाय है, क्योंकि वो सुबह 5 बजे बोलो रेडी हो जाता है, 6 बजे बोलो तो रेडी हो जाते हैं। हाँ तो आर्थ शूटिंग का पिक्चर हम लोग स्कॉटलैंड कर रहे थे, आरजू, अच्छा तो जी, हाँ, तो मुझे अक्षय बोलता था, लोरे को एक काम कर, सुबह है ना, सुबह मेरा जितना काम है मेरे साथ शुरू कर। तो हम लोग जी सुबह 6 बजे लोकेशन में, और ये सुबह आ जाता था, और रात को लोग 10:30 बजे तक सनलाइट मिलता था स्कॉटलैंड में। अच्छा जी, हाँ, और हम पैकअप पैकअप करते थे, 11 बजे से मुझे पैकअप करते, तो सेट होता था, इतने को लाइट मिलती थी जी हमको। तो मतलब हमने तो मजे से काम किया हम लोग ने वहां पे भी। जी और सैफ अली, हाउ वाज वर्किंग विद सैफ अली? पिक्चर क्या तो अच्छा है, वो भी जी मस्ती बहुत काम है, सिंपल दिल तेरा दीवाना। एक पिक्चर मेरी सुधाकर पड़ी की पिक्चर रिलीज हुआ था, उसका बाद में टाइटल चेंज किया सनम तेरी कसम करके, उसमें गाना बहुत अच्छा, सनम तेरी पिक्चर कसम। बहुत अच्छा। हाँ, पूजा सैफ अली खान, अतुल अग्निहोत्री एंड पूजा भट्ट। पूजा भट्ट जी, हाँ, वो पिक्चर का अरे भी आप संबल, मौका वो मतलब देख लीजिए, बहुत अच्छा पिक्चर वो भी। बाद में रिलीज उसका हुआ था, काफी पहला टाइम बाद में रिलीज हुआ था ना, संबल। ये 10 साल के बाद हमारा पहला संबंध टाइटल, संबंध, और संबल, हाँ वो हमने, हाँ, आफ्टर साजन के बाद हम लोग वो रिलीज किया था, पोस्टर लग गए, सब हो गए थे। तो सुधाकर बुकर ने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उन्होंने कुछ पंगा लिया, वो पिक्चर रिलीज नहीं हुआ, जी तो वो जी बहुत जी अच्छा पिक्चर। सजीव जी, हम शायद बढ़ेंगे अभी आपके पास, अगर कुछ रैपिड फायर जैसे हाँ क्वेश्चंस हो लॉरेंस हाँ सिद्धार्थ जी जी, के लिए। हाँ जस्ट एकदम से माइंड में जो आपके आता है ना, आप वो आंसर दीजिएगा जस्ट एक वन लाइन में। जी, अगर जय देवा, अभी संजय दत्त वापस आ गए हैं, जय देवा दोबारा शुरू करनी हो तो आप करना चाहेंगे? इज द सब्जेक्ट स्टिल रिलेवेंट? नहीं सर, मैंने उसको फिर वो सब्जेक्ट चेंज करके फिर आरजू बनाया मैंने, ओ अच्छा, ओके अक्षय, अच्छा वो थोड़ा सा रोमांटिक करके, वो जयदेवा एक्शन पिक्चर था, फिर थोड़ा उसका राइटर भी रीमा राकेश नाथ है जो साजन लिखा। ओके हाँ, ओके। अच्छा, तो फिर इतनी वो सारी थोड़ा सा फिल्म, उसको। हाँ जी, इतनी सारी आपने फिल्में बनाई, वैसे तो मैं ये थोड़ा पूछना गलत है कि कौन सी फेवरेट है, लेकिन स्टिल एक जो बहुत आपके दिल के क्लोज है, स्टोरी वाइज या प्रोडक्शन वाइज किसी भी तरह बहुत क्लोज? मेरा इमोशनल पिक्चर दिल का क्या कसूर, ओ वाह, ब्यूटीफुल दिल का फिल्म। क्या कसूर मेरा, या बिकॉज साजन नो डाउट बहुत अच्छी पिक्चर है, म्यूजिकली अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, मतलब पेंटिंग जैसा, उसको एक अलग से मैंने फोटोग्राफी किया था, क्योंकि मैं, मेरा फोटोग्राफी एक मेरा पहला पिक्चर है। हाँ वन साइडेड लव दिखाया दिल के गुजर में, दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ एक साइलेंट लवर का जो जी, दिखाया जस्ट ग्रेट। हाँ जी, ओके तो अगर आज आप कोई मूवी बनाएंगे, नई मूवी जो बनाएंगे, उसमें आप नए स्टार कास्ट को लेंगे या अपने पुराने गन्स को आप इस्तेमाल करेंगे, जो पुराने आपके वेटरन हैं? मैं देखिए, अभी मैं अगर बनाऊंगा, मेरे पास एक सब्जेक्ट है अभी भी, लव स्टोरी, सजन देसाई इज द ट्राइंगल सब्जेक्ट है, तो म्यूजिकल सब्जेक्ट है, टोटल कश्मीर में है पिक्चर, वो 80% कश्मीर में, 20% जयपुर वगैरह सिटी में है। अगर वो जब बनेगा तो अच्छे स्टार कास्टिंग रूम, बीच में बहुत पहले प्लान का, अभी तो जो हर लैंग्वेज में पिक्चर अभी रिलीज हो रहा है ना, तमिल, तेलुगु, ये उस जी ये मेरा बहुत पहले का एक ड्रीम है, कम से कम 15 15 साल पहले का ड्रीम था। अच्छा मैंने इवन मैंने धर्मेंद्र को भी मैं अप्रोच किया था ये कश्मीर वाले सब्जेक्ट के लिए, ट्रायंगल सब्जेक्ट, धनुष और यहाँ का एक और एक अच्छी हीरोइन, मतलब इसे जो तो प्लान किया था, इवन धनुष के फादर के साथ भी मेरे एक एडिटर है, उन्होंने बात भी किया था, फिर चलो नहीं बना, मेरा वही प्लान था कि उस वक्त
तमिल तेलुगु कन्नड़ा ऑल लैंग्वेजेस बना के रिलीज करने का, सुधाकर लेकिन अभी भी हमने ओटीटी काफी आजकल ट्रेंडिंग में है, ओटीटी के लिए कुछ करने का है कुछ आपके दिल में योजना, या ओटीटी आप देखते हैं? ओटीटी मैं अभी प्रोडक्शन हाउस प्लान कर रहा हूँ, मैं जरा अभी पैसे का जुगाड़ में लगा हूँ, जॉइंट वेंचर में कोई अगर अच्छा मिलते हैं, अभी फाइनेंस लेके पिक्चर बनाने का मतलब नहीं है, कोई जॉइंट वेंचर में अगर करते हैं प्रोडक्शन हाउस में आते हैं तो मैं, मेरा यही प्लानिंग है वेब सीरीज एंड ओटीटी के लिए छोटे छोटे पिक्चर बनाने का, न्यू स्टार कार्ड के साथ या बड़े स्टार जो भी है, सो वो मेरा प्लान है ओटीटी के लिए, और वो भी वो के जो है डायरेक्टर्स है ना उनको चांस है, उनको नहीं बनाऊंगा, इवन मेरा बेटा भी डायरेक्टर डायरेक्शन कर रहा है, वो भी अभी कर जो 5 पिक्चर एज चीफ असिस्टेंट किया, अभी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्ट कर रहा है, वो एड्स वगैरह वो डायरेक्ट सब अभी 3-4 सब्जेक्ट वगैरह रेडी कर रखा है, तो वो भी करेगा डायरेक्शन, और मेरे बेटी एडिटर है। अच्छा ओके तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस, एक तो ये बताइए कि आपने जितने कैरेक्टर्स गढ़े हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, कोई एक कैरेक्टर जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी परछाई है उस कैरेक्टर के, आपकी खुद की पसंद, मतलब आपकी पर्सनैलिटी की या आपके लव लाइफ की या किसी भी चीज की, किसी कोई भी एक कैरेक्टर ऐसा किसी फिल्म में? क्योंकि शादी लव स्टोरी के हिसाब से ही हुआ, मेरा वाइफ सिंधी है, हिंदू है, और हमने बाहर के शादी किया, वो एक दूसरे के लिए वो बराबर, लेकिन हम लोग उसमें मरे जिंदा हम लोग। फैंटास्टिक फैंटास्टिक सर। लॉरेंस जी वन लास्ट क्वेश्चन, आपने आपके फिल्म ज्यादातर म्यूजिकल रही है, म्यूजिक आपकी लाइफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, कोई एक गाना ऐसा जो आपको बहुत फेवरेट है, जो हमेशा आपके जुबान पे आ जाता है या बहुत आपके साथ चलता है गाना, कोई ऐसा बहुत फेवरेट गाना? मेरा फेवरेट गाना है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये मेरा फेवरेट गाना है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एवन यू कैन थैंक यू लॉरेंस जी, कभी कुछ कभी भी, हाँ बोलिए सर बोलिए, मैं कभी भी कुछ होगा तो मुझे फोन कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, और मैं क्या हैदराबाद आएगा तो मैं आप लोगों से मिलूंगा जरूर। पक्का सर, माय डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू सर, प्लीज लेट अस नो। लॉरेंस जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लगता ही नहीं है कि इन सब फिल्मों को मतलब इतने टाइम हो गए, मतलब 3 decades 30 साल के आसपास हो गए हैं, आज भी वो जज्बा आप में पूरा दिखाई दे रहा है, एंड द पैशन विद विच यू स्पोक, जिस जज्बे के साथ और जिस शिद्दत के साथ आपने अभी बात किया हमसे आपकी फिल्मों के बारे में, हम आशा यही करते हैं कि आप कोई भी वेंचर आगे लेते हैं तो वो सुपर सक्सेसफुल हो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। एक्चुअली मेरा स्टोरी बहुत लंबा है, तीन इंटरवल हो सकता है, इतना मेरा स्ट्रगल जो है मैंने अभी बताया नहीं आपको, और स्ट्रगल किया मैंने एज अ कैमरामैन का, इंडिपेंडेंट कैमरामैन तक बहुत स्ट्रगल किया, अभी मैंने आपको शॉर्टकट में बता दी बिकॉज आपका टाइमिंग कुछ कम ही होगा इसके लिए, कभी एक दिन ऐसा पूरा कर लेते हैं हम लोग भाई, टाइम में अगर है तो। बिल्कुल बिल्कुल, हैदराबाद में सर, आप दिल्ली आएंगे कभी तो दिल्ली में आप मेरे पास भी जरूर मिलिएगा। ओके ओके संजय जी दिल्ली में रहते हैं, ओके ओके ठीक है ठीक, ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे, बड़ोड़ा गुजरात, आप कुछ दिन तो चलिए, पूरा पूरा ट्रायंगल हमारा, पूरा ट्रायंगल है, मैं हैदराबाद ये दिल्ली हो गया ना, मैंगलोर हैदराबाद दिल्ली है बड़ोड़ा, सारा पूरा इंडिया कवर, थैंक यू सो मच लॉरेंस जी, थैंक यू सो मच, ओके ओके थैंक यू सो मच, ओके संजय जी, ओके सुनील जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके ओके।